यूपी के इतिहास का सबसे खतरनाक डॉन, उम्र केवल 25 साल और 20 से ज्यादा खूनी वारदातें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी लेने वाला वो लड़का जिसके आगे प्रशासन ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने दूसरों के खून से अपने नाम को उजागर किया है। ऐसे ही हजारों रंगबाजों में चुनिंदा नाम ही निकल कर आते हैं जिन्हें वास्तविकता में लोग याद रख पाते हैं। आज कथा पर ऐसे ही एक लड़के की कहानी जिसने महज 25 साल की उम्र में सारी कानून प्रक्रिया को मानो हिलाकर रख दिया था। साल 1993, एक 16 साल की लड़की स्कूल से लौट रही थी। राकेश तिवारी नाम के एक शौदे ने छेड़ दिया। रोते हुए लड़की अपने घर पहुंची और अपने मास्टर पिता को पूरी बात बताई। मास्टर साहब पुलिस के पास जाने लगे। इधर लड़की के भाई को बहन से छेड़ खाने की खबर मिल गई। भाई पहुंचा और राकेश तिवारी के सीने में गोलियां दाग दी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला था। पूर्वांचल का सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा डॉन जिसने महज 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा खूनी वारदातों को अंजाम दिया था। विधायक और मंत्री की हत्या करने के बाद सीएम के मर्डर की सुपारी ली थी। गोरखपुर के मामखोर गांव में 1973 में पैदा हुए श्री प्रकाश शुक्ला के पिता सरकारी अध्यापक थे। बचपन से ही शुक्ला का मन पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था। ऊंची लंबी कदकाठी थी तो पहलवानी करने लगा। 1993 में 20 साल की उम्र में बहन को छेड़ने वाले का मर्डर किया तो पुलिस और गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी पीछे पड़ गए। पुलिस अपराध के लिए खोज रही थी श्री प्रकाश को और हरिशंकर तिवारी दिलेरी के लिए। जीत मिली हरिशंकर तिवारी को। श्री प्रकाश शुक्ला को 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्री प्रकाश ने जिस राकेश तिवारी को मारा था वो हरिशंकर के कट्टर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटा तो केवल शुक्ला बनकर नहीं बल्कि शुक्ला जी बनकर, क्योंकि अब वो गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहला हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, इसी कारण वीरेंद्र शाही बच गया। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश शुक्ला ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे के ठेके को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती हुई बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली नेता सूरजभान सिंह से। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। लखनऊ वाराणसी के अलावा बिहार के तमाम समस्तीपुर और सोनपुर के ठेके यहीं से जारी होते थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही तो पर्याप्त टेंडर उठा लेते थे लेकिन सूरजभान पिछड़ जाता था। यहाँ श्री प्रकाश की दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को भी ठेका मिलने लगा। श्री प्रकाश बदले में कमीशन लेता था। श्री प्रकाश वीरेंद्र प्रताप शाही से अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। एक दिन उसे मौका मिल गया। लखनऊ के इंदिरा नगर में विधायक वीरेंद्र शाही अपने कथित प्रेमिका को किराए पर कमरा दिखाने के लिए जा रहे थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए गनर और ड्राइवर को घर पर ही रहने को कहा। इसकी भनक श्री प्रकाश को लगी। श्री प्रकाश पहुंचा और वीरेंद्र शाही पर फायरिंग थोप दी। मौके पर ही वीरेंद्र प्रताप शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि हरिशंकर तिवारी एक एक करके रेलवे के सारे ठेके छोड़ने लगे। 3 जून 1998 बिहार में आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार में ब्रिज बिहारी प्रसाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में भर्ती थे। शाम को पार्क में टहल रहे थे तभी 7 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ब्रिज बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार विधानसभा में हंगामा मचा तो जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई कोर्ट ने 2009 में श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरजभान सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में फैसला टल गया। श्री प्रकाश अब स्थापित डॉन हो चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने वसूली शुरू कर दी। लखनऊ के दारुल सफा में सब इंस्पेक्टर आर के सिंह का श्री प्रकाश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। श्री प्रकाश ने आर के सिंह को मौके पर ही कई गोलियों से भून डाला। लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश ने अपने बहनोई से लॉटरी का काम शुरू करवाया। अमीनाबाद के विवेक श्रीवास्तव ने लाटोश रोड पर लॉटरी के कई काउंटर डाल दिए। श्री प्रकाश ने विवेक को ये सब बंद करने को कहा। विवेक नहीं माने। एक दिन श्री प्रकाश आया और लाटोश रोड में बीच चौराहे पर विवेक को 25 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुके श्री प्रकाश को लेकर फारुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा खुलासा भी किया था। दरअसल साक्षी महाराज ने कहा था कि श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए
6 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। दोस्तों गौरतलब है 6 करोड़। इस दावे के बाद ही पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आला अधिकारियों ने श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका भी थी। कानपुर की इस लड़की को श्री प्रकाश ने गाजियाबाद में रखा था। जवान नहीं रहता तो उससे फोन पर लगातार बातें करता रहता था। दोस्तों यूपी पुलिस के अनुसार उस जमाने में श्री प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर इतनी लंबी बात किया करता था कि उसका महीने का बिल तकरीबन 5,000 रुपए आया करता होगा। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने के लिए राजेश पांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम बनाई गई। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। अधिकारी श्री प्रकाश के फोन और उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर से हर फ्लैट पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। आमतौर पर श्री प्रकाश शुक्ला धमकी के बाद उस सिम को अगले दिन बंद कर देता था, लेकिन श्री प्रकाश यही सिम लगातार प्रयोग में लेता रहा, जिससे पुलिस को आसानी हुई। एसटीएफ को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला झारखंड के रांची जाने के बाद 22 सितंबर 1998 की सुबह 6:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर दी, लेकिन वो नहीं आया। श्री प्रकाश इस दौरान भी फोन का प्रयोग लगातार कर रहा था। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाली पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर के 1:50 पर अपनी नीली सेलो कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे की सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठे थे। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को यह देखकर तुरंत खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज करी और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ ले गया। पुलिस भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे भागी और घेर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू करी, लेकिन उसके पहले ही हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में गोली गिनी गई तो पता चला कि श्री प्रकाश की तरफ से महज 14 और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां चलाई गई। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला का चैप्टर यहां समाप्त हुआ। पुलिस ने श्री प्रकाश के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें सर्विलांस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराया गया उसके बाद उनके पास से एक डायरी भी बरामद की गई थी, जिसमें उस समय के बड़े बड़े नेताओं के नाम और टेलीफोन नंबर्स थे, जिससे यह पता लगता है कि वास्तविकता में 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला ने उन नेताओं के लिए काम किया था। मगर उसकी मौत के बाद उस डायरी का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार दिया गया क्योंकि उसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए सुपारी ली थी। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था जिसने श्री प्रकाश को सुपारी दी थी? दोस्तों सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।